भारत की सबसे प्रसिद्ध ट्रांसजेंडर पत्रकार और कार्यकर्ता अप्सरा रेड्डी को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वहां घोषित किया है। एक ट्रांसजेंडर महिला के रूप में अप्सरा अपने कॉलेज के दिनों में सामाजिक सक्रियता में शामिल रही और उन्होंने चाइल्ड रेप और हाई प्रोफाइल मामलों को भी उठाया और तमिलनाडु में एक मीडिया सनसनी पैदा की। सामाजिक मुद्दे पर सक्रिय आवाज और पत्रकारिता में ब्रॉड बनने के बाद वो अमित शाह से मिलकर भाजपा में शामिल हो गई, पर एक महीने के भीतर ही उन्होंने पद छोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा में स्वतंत्र विचार वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। तमिलनाडु के पूर्व सीएम जयललिता द्वारा अप्सरा को राष्ट्रीय प्रवक्ता की भूमिका दी गई। AIDMK में आपस में मतभेद होने पर अप्सरा ने उस भूमिका भी जारी रखा। कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने पर अप्सरा ने कहा कि मैं एक ऐसी पृष्ठभूमि में आती हूँ जहाँ कई प्रवर्ग और अन्य से काफ़ी परिचित रहते हैं। पाखंड और भेदभाव ने मुझे अन्याय के खिलाफ काम करने के लिए प्रेरित किया है। जेड न्यूज़ की रिपोर्ट।